गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुर और मैं हूं इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 244 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा, मीनाक्षी ने एक बार महादेव जी को प्रसन्न कर ही लिया था, लेकिन आगे देखते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मीनाक्षी। अच्छा, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा आह्वान करो, मैं अविलंब आऊंगा। ओहो, बड़ी बात। अब राजवीर के पास वेणी और पार्वती की शक्तियां, इंद्र शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव है। क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? संध्या हो गई है कुमार, अभी तक आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मेरा मन नहीं है नंदी। यदि भोजन और जल ग्रहण ना करने से मन की व्यथाओं का समाधान मिल जाता तो सारा संसार आजीवन भूखा और प्यासा रहकर अपनी जीविका चलाता है ना कुमार? मेरी आपसे विनती है, कैलाश चली है ना। ओ यार, बताए कुमार, कोई कुछ भी कहे किंतु सत्य तो सत्य होता। मेरे प्रभु ने कहा था कि जब भी कोई उन्नति के ओर अग्रसर होता है, कोई महान कार्य करता है, तो उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति यह प्रयत्न करता है कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, उसे भ्रमित करे, क्योंकि उसकी असुरक्षा इस सत्य को स्वीकारती नहीं है कि उससे भी कोई शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। औरों की ईर्ष्या आपकी सफलता का प्रमाण है, ना कि आपकी असफलता का। इंद्रदेव और किसी और के द्वारा आपके व्यक्तित्व और आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कदापि नहीं। आपकी वास्तविकता से सभी अवगत है कुमार, केवल मुझे छोड़कर। बहुत बड़ा जख्म दिया। मैं तो स्वयं ही ये नहीं जानता कि मैं हूं कौन। मेरे मन में प्रश्न तो उठते, तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। मैं तो यही सोचता था कि मैं कृतिका पुत्र हूं, कृतिका लोक ही मेरा सब कुछ है। फिर एक दिन आपका आगमन, पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता कोई और है। मेरा निवास कृतिका लोक ने, अभी तू कैलाश है। मैं इस सत्य को स्वीकार कर ही रहा था कि एक और सत्य मेरे समक्ष आ गया कि मुझे क्रीड़ा हेतु नहीं, युद्ध हेतु प्रशिक्षित होना। क्योंकि मेरा कर्तव्य तो तारकासुर का वध करना है। मेरे हाथों में शस्त्र थमा दिए गए,
और बना दिया मुझे योद्धा अपने दायित्व की पूर्ति हेतु। मेरा बालपन अधूरा रह गया किंतु तत्पश्चात मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया। उसे पूर्ण करने की प्रसन्नता आरंभ ही हुई थी और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी करने के योग्य नहीं। नहीं नहीं कुमार, इंद्रदेव ने जो भी कहा सत्य कहा। हाँ नंदी, उन्होंने सत्य कहा। यदि सभी देवताओं की और मेरे माता पिता की शक्ति मुझे प्राप्त नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यदि मेरे पिताजी मुझे अपने हथेली पर ना उठाते तो मैं तार का सुर का वध कदापि नहीं कर पाता। किंतु अब प्रश्न ये है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। स्कंद, कार्तिकेय, गुहा, बालक, उद्धारक, एक असमर्थ सेनापति, एक अपूर्ण योद्धा या फिर एक सर्वशक्तिशाली माता पिता का एक बिंब, चंद्रमा की भांति प्रकाशहीन हुए जिसका अस्तित्व केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता। अब आप ही बताइए नंदी कि मैं हूं कौन। जाना चाहता यहां से बहुत दूर, वहीं मुझे शांति मिलेगी, एकांत मिलेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नंदी, मैं जानता हूं आपको मेरी बहुत चिंता है किंतु आप कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नंदी जी के लिए ये आपसे मेरी विनती है, मेरे पीछे मत आइएगा। क्षमा करे कुमार, आदेव और माता पार्वती के अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखना ही मेरा दायित्व है। मुझे क्षमा करें। नहीं, हमें हमारे हमेशा आपके पीछे किंतु हमें प्रसन्नता है कि हम आए, अन्यथा हमें हमारी ईर्ष्या पर बुलाने कैसे हो। आपके मुख से ये सुनकर कि आपके जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम पुनः आश्वस्त हो गए। तुम्हें कहा था ना पार्वती, प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार सच्चे प्रेम का स्थान नहीं था।
इन दोनों भावनाओं को अपने मन से निष्कासित कर अब इसी क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या बदला निकास करने लगा वहां प्रेम का स्थापित होना संभव ही नहीं। लो भाई क्या बात है, एक बार देख ले कि महादेव जी ने कैसे चीज़ें हैंडल की हैं। मीनाक्षी ये ज़रूर चाहती थी कि महादेव जी से विवाह करना, लेकिन आप देख ले कि महादेव जी का तो विवाह हो चुका है, आखिर एक पुत्र भी है और ये चीज़ें हो भी नहीं सकती थी, ये है। लेकिन उनको वरदान ज़रूर मिला है, कभी भी ऐसे नहीं जाने देते महादेव जी के, उनको वरदान मिला है कि जब भी वो याद करेंगी, जब भी उनका मन होगा उसी वक्त महादेव जी आ जाएंगे, ये इतना उनका वरदान और बहुत अच्छा वरदान है। लेकिन ये कि एक देखा जाए कि कार्तिकेय जी को तो वो काफ़ी एक ना अब सारी बातें सोच करना बहुत परेशान हो रहे हैं कि शायद मुझे इस चीज़ के लिए जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ऐसे उनके माइंड में ये जो ख्यालात आ रहे हैं या जो चीज़ें उनको आ रही हैं याद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अब एक ही हाल है कि महादेव जी उनको जाकर समझाएंगे तो फिर ही आगे भी चीज़ें होंगी। नहीं अभी भाई एक काफ़ी एक लर्निंग की उम्र थी जब ऐसी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, ये एक संसार की हैं भाई बातें और हर चीज़, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें होंगी वो अपनी भाई माता को याद करेगा कि मैं उधर से आया ही क्यों, उधर ही मैं ठीक था, हर चीज़ें एक परफेक्ट चल रही थी, लेकिन इधर ठीक है अब चीज़ें ये तो फेस करनी ही पड़नी है भाई कुमार जी को, चाहे जो भी हो जाए ये तो एक खुद ये लड़ाई लड़नी पड़नी है। अगर महादेव जी की बात करें तो भाई महादेव जी अब चले जाएँ तो हर चीज़ वो ठीक भी कर लेंगे, लेकिन कब तक बिल्कुल ऐसे ही अपनी जंग, अपनी लाइफ की जंग जो है ना वो इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है, कब तक जो है ना वो ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद आपके सर पे होता है नो डाउट, और महादेव जी उधर चाहते भी थे, चाहते भी कुमार जी जवाब दें एक देवेंद्र को एक उनके अल्फाज़ों, और उन्होंने मतलब जो है ना उस हिसाब से जवाब भी दिया कि ठीक है, बल्कि वो चले गए जो है ना वो चले गए, यही कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे ही है। मे भी यही हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन हो, अगर क्योंकि जब तक वो दुनिया से नहीं लड़ेंगे, मामला से नहीं लड़ेंगे उस वक्त तक जो है ना, क्योंकि उनके अंदर फिर वो एक चीज़ का रहेगा, भय रहेगा कि मेरे पीछे भी महादेव जी हैं, मेरे माता पिता उनकी शक्ति है, लिहाजा मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता या मैं कुछ भी हर चीज़ जो है ना वो मैं कर सकता हूँ। जब तक वो इन मुश्किलों से नहीं गुजरेंगे उस वक्त तक वो कुंदन नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अब वो थोड़ा सा हैं, उम्मीद है कि बेहतर होगा। बिल्कुल भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।